में बढ़ते नशे के प्रचलन को देखते हुए नव चेतना मंच करनाल हरियाणा सरकार के सहयोग से एक बड़ा जन आंदोलन आरंभ करने जा रही है। इसी संदर्भ में गोल्डन मोमेंट सेक्टर 12 करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर नव चेतना मंच के चेयरमैन ने कहा कि नशे के खिलाफ इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूल व कॉलेजों में मुंबई की तर्ज पर नशा बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। इसी कड़ी में पहल करते हुए वर्ष 2020 को नशा मुक्ति के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूल व कॉलेजों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा एवं नशे से होने वाली बुराइयों के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने इस अभियान में सभी के सहयोग का आह्वान किया है। यहाँ पे बुलाया है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे स्टूडेंट, हमारा यूथ आज शराब से आगे बढ़ के सुक्के नशे में फंसता जा रहा है। ड्रग्स का बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है। आप देखोगे करनाल ये छोटा सा शहर है, इसके स्कूल कॉलेजों में मुंबई की तरह, दिल्ली की तरह हमारा स्टूडेंट आज नशे की गिरफ्त में है। उसके लंच का जो उसका टिफ़िन है घर से जो लेके आता है, उसमें सब्जी रोटी की जगह अक्सर क्लासों में नशा पकड़ा गया है। तो ये बहुत भयंकर सिचुएशन समाज की है। तो हम मतलब ये महसूस किया हमने कि भले हम इसको पूरी तरह से ना रोक पाए इस तूफान को, एक इंसान होने के नाते और एक सजग नागरिक होने के नाते हमारा धर्म है कि हम अपने बच्चों को सचेत करें, युवा पीढ़ी को सचेत करें कि माँ बाप कितने खून पसीने की कमाई से उनको स्कूल कॉलेज तक भेजते हैं, और वो अगर गलत संगत में पढ़ के किसी नशे में फंस गए, किसी ड्रग्स में फंस गए, जिसकी कि पूरी पूरी संभावनाएं बनती जा रही हैं। पंजाब हमने बर्बाद होते देखा है, वहाँ पे स्टूडेंट यूथ नशे में फंसा और पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। तो हम उसी चिंता को करते हुए हरियाणा के यूथ को, स्टूडेंट को हम सजग करने के लिए 2020 को नशा मुक्ति वर्ष के रूप में कर रहे हैं। हम स्कूल स्कूल जाएंगे, कॉलेज कॉलेज में जाएंगे, एक एक विद्यार्थी को समझाएंगे कि नशे से बचना है। ये जो देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन ड्रग्स का फैलाव कर रहे हैं, इससे हमें बचना है। तो हम जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं और ये सूचना आज हमने अपने पूरे प्रेस के दोस्तों को दी है ताकि वो इसको छापें, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको सुनाएं, और जो लोग इसमें चिंतित हैं वो हमारे साथ शामिल हों ताकि ये आंदोलन और मजबूत हो। आपने कहा कि सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं नशे को लेकर, लेकिन अगर सब्जी मंडी से लेकर चलें और रेलवे स्टेशन तक सिर्फ ज़्यादा रास्ता नहीं है, चार चार ठेके वहाँ खुलवा दिए गए हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि नशे से, छोटे छोटे नशे से बचाना अपने युवा को, अपने समाज को सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे भले वो किसी स्टेट की बात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मतलब हमारे 24-25 स्टेट जो सब में, हरियाणा में भी कोई शराब को रोकने का प्रयास उस तरह से नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं एक चला हुआ ट्रेंड जो आ रहा था, शराब सरकार बेचती हैं उसका जो ट्रेंड चला आ रहा था, तो हमारी सरकार भी उससे अछूती नहीं रही। परंतु मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा टाइम टाइम पे डिस्कशन हुआ है, अरब 2 महीने से लगातार डिस्कशन, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी अब इस चिंता में हैं कि हरियाणा के युवाओं को कैसे ड्रग्स से, कैसे नशे से बचाया जाए, वो पूर्णतः चिंता कर रहे हैं। चौहान साहब, शराब की सिर्फ अगर बात करें, चाहे वो JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।